हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हान व्लॉग। आज का वीडियो न मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ और न मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं आपको रियलिटी शो कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं CCA में और जो भी अभी एडमिशन कर चुके हैं, इसको मैं ये जाहिर तौर पर मैं आपको मतलब सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे को मिसकंसेप्शन हुए थे, मैंने मिसकंसेप्शन के थ्रू एडमिशन लिया जाता है CCA को, और आप लोग भी इस तरह मिसकंसेप्शन से दूर रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं कि CCA क्या है, इसको पहले पता भी नहीं होता। हाँ, जब आप FEC क्लियर कर चुके हो, मतलब पास करते हो, इंटरमीडिएट कंप्लीट होते हो, तो आपको किसी मतलब कोई कहता है कि हाँ FEC ज्वाइन करो, तो बस जितने भी पेपर है वो पास करो, फिर करोड़पति बन जाओगे, वहाँ चले जाओ, हर जगह पे 5-6-10 लाख डायरेक्टली सैलरी स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत स्कोप है। लेकिन इसके बिहाइंड थ्रू इसका स्टोरी आपको नहीं पता, तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि पहले कि जितने जो मतलब आप जहाँ पे भी आप करियर स्टार्ट करते हो, जिस फील्ड को आप चूज़ करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डीपली से स्टडी करो कि ये करियर है, ये सच में इस तरह स्कोप है। तो यहाँ पे मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता, इसका स्कोप है, CCA का बहुत स्कोप है, मैंने खुद भी एडमिशन लिया है, लेकिन जो मिसकंसेप्शन है मैं उसको आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसकंसेप्शन बहुत लोगों से मतलब बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब आप CCA क्लियर कर मतलब 17 पेपर पास करते हो ना, तो आपका फौरन सैलरी स्टार्ट हो जाता है। नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप 17 पेपर पास मतलब पास करते हो, तो आपने क्या करना है, आपने एडिट फॉर्म में या कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ पे भी हो, आपने इंटर्नशिप करना है। तो इंटर्नशिप कितना होता है, 2-3 लाख नहीं होता, आपको 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। 3 ईयर आपने इंटर्नशिप करना है, 10,000-15,000। हाँ, अगर आप 17 पेपर पास करते हो तो आपका इंटर्नशिप थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप स्किल लेवल से इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो तो आपका इंटर्नशिप 10-15,000 होता है। तो ये भी जहन में याद रख ले। सेकंड मिसकंसेप्शन ज़्यादा लोगों को ये होता है कि CCA तो डिग्री है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, CCA डिग्री नहीं है, CCA एक सर्टिफिकेट है। लेकिन हाँ, इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप BSc और MSc का डिग्री ले सकते हो, लेकिन अभी जो स्कीम है, न्यू पॉलिसी है, उसने लगाया कि 2024 तक आप OBU डिग्री ले सकते हो, इसके बाद OBU का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म होगा। तो ये भी जहन में याद रखें कि CCA एक सर्टिफिकेट है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल बॉडी है। ये भी मिसकंसेप्शन था। और दूसरी मिसकंसेप्शन ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब CCA तो बस सिर्फ पेपर फीस होता है, बस जल्दी पास हो जाता है और एक्सपेंसिव नहीं है। देखो, मुझे अभी पता चला, मुझे खुद पता नहीं था कि एनुअल सब्सक्रिप्शन भी होता है। ये जहन में याद रख ले कि CCA का एनुअल सब्सक्रिप्शन फी भी होता है, तो वो आई थिंक 134 पाउंड है, ये हर साल होता है। चाहे आप CCA मेंबर, CCA एफिलिएट भी होते हो, फिर भी आपने ये देना पड़ेगा। तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर हाँ एनुअल सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन अगर आप में CCA एफिलिएट हो तो तब तो ख़त्म हो जाता है। नहीं, ये तब भी आपने देना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे मतलब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं था, कि मुझे ये पता नहीं था कि एनुअल सब्सक्रिप्शन भी होता है। तो ये भी जहन में याद रखे कि एनुअल सब्सक्रिप्शन भी होता है CCA में। फोर्थ बात ये है मिसकंसेप्शन कि लोग कहते हैं कि यार CCA तो मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव है, पहले यह जहन में याद रखे, जब मैंने सोचा था कि CCA स्टार्ट करूँगा, तो तब मुझे पता चला कि ये तो 9-10 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब मुझे अभी पता चला है कि ये तो एक्सपेंसिव है, एक पेपर FD का, एक पेपर UK फीस है ना वो 30,000 है, फिर इसके हॉस्टल फीस चार्ज आवर है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस आवर है, और ट्यूशन फीस आवर चार है, तो एक पेपर तकरीबन 1 लाख से बाव मतलब चार्ज होता है, एक्सपेंस लग जाते हैं। तो ये भी जहन में याद रखे। तो ये थे मिसकंसेप्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मिसकंसेप्शन है आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता, CCA का स्कोप है, लेकिन अगर आपका ये सोच है कि मैं जिस तरह भी 17 पेपर पास करूँ तो मेरा CCA का जॉब लग चुका होगा, मैं जहाँ भी जाऊँ, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। आपने इंटर्नशिप करना होगा, आपने 3 ईयर इंटर्नशिप करना होगा, तो इंटर्नशिप कितना होगा, 10-12 हज़ार से स्टार्ट करना होगा। फिर इसके बाद बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि बस मैं CCA तो मतलब जब CCA करो तो मैं पाकिस्तान में भी अपना करियर सिक्योर करूँगा, बहुत से पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है,
ICC का स्कोप पाकिस्तान में अभी तो थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा आपका एक्सपीरियंस है तो तब चलता है, 1,00,000 से 2 सीलर्स मिलता है, लेकिन इस तरह कुछ नहीं, एक्सपीरियंस के डिपेंड करता है। ICC का स्कोप ज़्यादातर बाहर फॉरेन कंट्री, मिडल ईस्ट कंट्री में है। तो ये थे मिसकंसेप्शन जो बहुत से लोगों को, जो न्यू स्टूडेंट्स को होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।